साहब कहीं जा रहे थे, सड़क पर काफी ट्रैफिक था, लेकिन तभी कलेक्टर साहब की नजर पड़ी सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर। बुजुर्ग घायल थे और तड़प रहे थे। कलेक्टर साहब ने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई, घायल बुजुर्ग को पानी पिलाया और उसे सड़क से उठाया और अपने कर्मचारियों की मदद से बुजुर्ग को सड़क पार कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्काल अस्पताल में बात की और ऑटो रोककर बुजुर्ग को उसमें बिठाया। एक पुलिसकर्मी को भी बुजुर्ग के साथ भेजा ताकि बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। इंदौर कलेक्टर इलिया राजा का बुजुर्ग की मदद करने वाला ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना इंदौर के शास्त्री ब्रिज की है, जहां इस बुजुर्ग को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो घायल हो गए थे। वैसे ही ये कोई पहला मामला नहीं है जब कलेक्टर साहब की तारीफ हुई है। इससे पहले जब शहर में बावड़ी हादसा हुआ था, तब भी कलेक्टर साहब घायल को रस्सियों के सहारे बावड़ी से निकालते देखे गए थे। आपको बता दें कि डॉक्टर इलिया राजा टी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2009 बैच के आईएएस ने पहली ही कोशिश में यूपीएससी क्लियर कर लिया था। उन्होंने पहले कभी हिंदी बोली ही नहीं थी, लेकिन मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में ही हिंदी सीखी। पहली बार कलेक्टर के तौर पर वे भिंड भेजे गए थे। उस वक्त चंबल का ये जिला पूरे देश में नकल के लिए सबसे बदनाम रहा था, लेकिन कलेक्टर इलिया राजा टी के सख्त रवैये की वजह से नकल माफियाओं की कमर टूट गई और नकल माफिया भूमिगत हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कलेक्टर इलिया राजा भिंड से ट्रांसफर किए गए, तो पब्लिक सरकार के फैसले के विरोध में उतर आई और पब्लिक ने प्रदर्शन भी किया था।